हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देख रहे हैं जिनका भी मूलांक एक है उनके लिए रीडिंग, नया साल उनके लिए क्या कुछ लेके आएगा, क्या कुछ उनके लाइफ में चेंज आने वाला है नए साल में। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं अपना डेट ऑफ बर्थ से जो भी आपका मूलांक है आप देख सकते हैं। अगर आपका मूलांक एक है तो ये वीडियो आपके लिए होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूलांक एक वालों के लिए। तो जिनका भी मूलांक एक है आइए देखते हैं नए साल में क्या कुछ चेंज, क्या कुछ बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है। आप तो आपके कार्ड्स के हिसाब से तो हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो समय है जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा दिख रहा है सब कुछ, लेकिन कुछ ऐसा है जो काम आपको रोक रहा है, कुछ काम में आप रुके हुए हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे। ये आपका कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपने आप को एक बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और काफी जैसे लग रहा है कि आप ना चाहकर भी उस चीज से दूर जा रहे हैं और आपका मन खुश नहीं है उस चीज को लेके। तो आइए देखते हैं क्या कुछ चेंज जो आपको 2021 में अपने लाइफ में देखने को मिल सकता है, कि क्या बदलाव आपके लाइफ में होगा। तो जिनका भी मूलांक एक है उनके लिए है ये समय बहुत अच्छा रहेगा, पैसे को लेके काफी अच्छा समय रहेगा आपका। पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा आपको लगेगा थोड़ा सा खुश नहीं रहेंगे उस चीज को लेके, थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा आपका, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा चीजें जो है वो सही होती चली जाएंगी। यहाँ दिख रहा है कि आप एक समय बाद एकदम कंफर्म हो जाएंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और अक्सर डाउट में रहते हैं ना कि क्या करें क्या ना करें वाला सिचुएशन अगर आपके लाइफ में रहता है, तो एक समय बाद वो इस साल आपका जो नया साल है आपका उसमें आपके सही हो जाएगा, यानी कि आप बहुत क्लियर हो जाएंगे अपने लाइफ के प्रति। और जैसे जैसे समय बीत रहा है यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे आपकी जो चीजें हैं ना वो सुधार होती चली जा रही हैं। यानी कि जनवरी बहुत अच्छा रहेगा, फिर थोड़ा सा फरवरी मार्च में अपने आप को एक कहीं बंधा हुआ रुका हुआ ऐसा महसूस करेंगे, लेकिन जैसे अप्रैल मई जून ये सब जैसे समय बीत रहा है ना आपकी जो चीजें हैं बहुत अच्छी होती चली जा रही हैं लाइफ में, ये चीजें दिख रही हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं ना तो उसमें बहुत फायदा दिख रहा है। और एकदम से देखिए एक माहौल ऐसा था आपके लाइफ में कि थोड़ा सा टकराव वाला जो सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में बन जाती है ना तो वो इस साल आपको उसे छुटकारा मिलेगा। बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है, बहुत ही क्लियर हो गया आपका रास्ता ऐसा दिख रहा है। आइए कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं क्योंकि हम पूरा देख रहे हैं कि आपका ये जो कार्ड मैंने उल्टे रखे थे शायद रिवर्स में। तो ये 26 नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपकी लाइफ में। फरवरी का महीना जून का महीना देख लीजिएगा, इसमें काफी ज्यादा कंपटीशन वाला समय आएगा। हो सकता है कोई एग्जाम हो आपका, कोई तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की, वो सारी चीजें हैं तो तैयारी रखे रहिए। इस समय आपको परीक्षा देने का मौका मिल सकता है मार्च फरवरी में और जून में, ठीक है, ये समय रहेगा। तो अपने दुश्मनों से सावधान रहिए, कोई आपको छल ना सके। देखिए बार बार एक चीज है तो दो तारीख का काफी मायने है, यानी फरवरी से लेके मई जून ये सब महीने बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ के लिए रहेंगे। संभावना इस साल बहुत अच्छी दिख रही है, पैसे को लेके फाइनेंस काफी अच्छा आपका रहेगा। एक नंबर का मूलांक जिनका भी है ना वो इस चीज पे ध्यान दे, पैसे को लेके ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आप रुके नहीं, अगर आपको सफलता भी नहीं मिल रही है किसी काम में, कोई काम आप कर रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है, तो अपने आप को रुके नहीं। अगर आप रुकेंगे ना तो फिर चीजें रुक जाएंगी, तो चलते रहिए, आपको उस रास्ते पे ही सफलता मिलेगी जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें है ये पैसे को लेके ये साल तो अभी तक मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। और देख लेते हैं हम, क्योंकि बात 2021 की है, एक नया साल स्टार्ट हो रहा है और मूलांक एक वालों के लिए हम ये देख रहे हैं। तो जिनका भी मूल अंक जो होता है मूलांक होता है, ओ तो यहाँ पे मैरिज का कार्ड आ गया, तो यानी बहुत सारे लोग का इस साल तो शादी फिक्स है, ठीक है। तो पहले से शुभकामनाएं आप लोग को। मार्च का मौसम काफी ज्यादा, सॉरी मैं अक्सर मौसम कह देती हूँ, मुझे एक सब्सक्राइबर्स ने कहा भी था मैम आप मौसम क्यों बोल देती हैं, लेकिन मार्च का जो समय रहेगा यानी मार्च का जो महीना रहेगा ना, बहुत सारे लोग की या तो एंगेजमेंट हो जाएगी या तो शादी हो जाएगी, लेकिन ये साल आपका होगा, ठीक है। इस साल बहुत सारे लोग जो सिंगल हैं उनकी शादी हो जाएगी,
यानी बहुत सारे लोग मिलेंगे, कम्युनिटी मतलब पूरी फैमिली मिलेगी, यानी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ को लेके। रिलेशनशिप में अगर किसी चीज़ को आप डाउट में है लेके, तो उसमें थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे ऐसा दिख रहा है, या तो अपने उस पर्सन के साथ या तो फिर किसी और पर्सन के साथ, ये चीज दिख रही है यहाँ पे। यानी ये साल आपका बहुत डिसाइडेड रहने वाला है, लाइफ का एक कहते ना टर्निंग पॉइंट, जो यहाँ से आपकी लाइफ चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे एक मैरिज का कार्ड आ गया, इसलिए मैं ये बातें आपसे बोल रही हूँ। आइए देख लेते हैं और तो देखिए, जो भी इंसान आपके लाइफ में आने वाला है, तीन नंबर काफी ज्यादा उनके, हो सकता है उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कि उन तीन नंबर मार्च का महीना, ठीक है, और एक नंबर या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी या तो आपकी तो है ही एक ना एक, क्योंकि मूलांक एक वालों के लिए यहाँ पे दिख रहा है, तो तीन नंबर काफी ज्यादा आपकी लाइफ से कनेक्ट है, नौ नंबर कनेक्ट है। तो ये मार्च का मौसम जो है आपके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, लाइफ में काफी ज्यादा चेंज आने वाला है आपके। एक कार्ड और यहाँ पे देख रहे हैं, फिर से देखिए, तीन नंबर का काफी ज्यादा है, तीन नंबर को ध्यान दीजिएगा, काफी चेंज आ जाएगा आपके लाइफ में तीन नंबर वाले, तीन नंबर से जो भी चीजें कनेक्ट हो रही हैं, यानी कि आपके पार्टनर का तीन नंबर हो सकता है। आपके लिए हम ले रहे हैं साईं बाबा का कार्ड, क्योंकि 2021 की बात हो और साईं बाबा के कार्ड ना लिए जाए ऐसा हो नहीं सकता है। तो जिनका भी मूलांक एक है, आप मेरे जैसे ही हैं, वे जो कंगाल है भूखे और दुखी मैं उनके करीब हूं, तो ईश्वर हमेशा आपके करीब हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको परेशान नहीं रहना है ना, कि ये देखिए एक है जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वो समाप्त होती है। हो सकता है कुछ ऐसा है आपको जो छोड़ना रिलेशनशिप है, ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप का काफी ज्यादा क्लियर दिख रहा है, कि हो सकता है किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो और उसका कोई फ्यूचर, ठीक है, उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। और बहुत सारे लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनकी कोई जीव जंतु उन्होंने पाला हो और वो उनसे दूर चला गया, या फिर कुछ ऐसा पर्सन आपके पास हो जो अभी आपसे दूर चले गए, ये भी चीजें हो सकती हैं। तो ये सलाह आपको है कि देखिए, हर एक चीज की जीवन अवधि होती है, कोई भी चीज हमेशा के लिए कभी नहीं होती है, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये सब चीजें इसीलिए आपके सामने आती हैं ताकि आप समझ सकें कि लाइफ में कैसे आपको आगे बढ़ना है। और हम कार्ड लेंगे, क्योंकि आज हम बहुत सारे कार्ड देखना चाह रहे हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ मेरे पास जितने कार्ड हैं मेरे साथ निकाल दूँ, लेकिन सब तो नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ हम जरूर निकाल सकते हैं जो आपको सलाह दे सकें आने वाले साल के लिए, एक अच्छी सलाह, एक बेहतर सलाह जिसके साथ आप साल का शुरुआत कर सके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक, ये रीडिंग, ये वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। मेरा एक नया चैनल है वंदना टीएल ब्लॉग, अगर आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या सलाह है, जिनका भी मूलांक एक पड़ता है, आपके लिए राम जी का कार्ड है, तो जय श्री राम जरूर लिख के जाइएगा, सबसे पहले तो आप ये काम कर लीजिए। आइए देखते हैं, हर निर्णय का परिणाम होता है, हर विकल्प पर अच्छी तरह विचार करें, इसमें त्याग की अपेक्षा हो सकती है। देखिए, यानी कि ये जो साल आपका है ना, बहुत ज्यादा जैसे मैं बताई थी ना, बदलने वाला है आपकी लाइफ को, तो जो भी निर्णय आप करेंगे ना, उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। यानी सोच विचार के हर काम कीजिए, अपनी खुशी को ध्यान में रख के कीजिए, क्योंकि जब लाइफ के बड़े बड़े फैसले होते हैं ना, तो उन सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है। त्याग की अपेक्षा भी की जा सकती है, ठीक है, त्याग भी एक बहुत बड़ा चीज होता है लाइफ में, वो तो आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि जीवन में जो आप सोचे सब कुछ वैसा वैसा हो ये जरूरी नहीं है। तो त्याग की अपेक्षा की जा सकती है यहाँ पे, एक कार्ड और देखेंगे हम, तो जय हनुमान भी लिख के जाइएगा। देखिए कितना प्यारा कार्ड आपके लिए आया, यहाँ राम जी आए उसके बाद हनुमान जी आए, तो जय हनुमान जय श्री राम लिख के जरूर जाइएगा। आइए देखते हैं हनुमान जी के कार्ड में हमें क्या पता चलता है। अपनी वास्तविक पहचान का स्मरण कर अपने मूल स्वरूप एवं शक्ति को पुनः प्राप्त करें। कहीं ना कहीं आप लाइफ में खो से गए होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग के साथ चीजें कनेक्ट हो सकती हैं ये, तो अपने आप को तलाश कीजिए, ठीक है। और ये कार्ड्स आप देख रहे हैं आपके सामने है, राम जी का कार्ड आया उसके बाद हनुमान जी का कार्ड आया है, तो बहुत खुशी हो रही है ये चीज देख के कि कितना कनेक्ट है ईश्वर आपसे, ठीक है। आपको क्या इतनी अच्छी सलाह मिल रही है साल की शुरुआत होने से पहले, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और रीडिंग पूरी हो चुकी है, वैसे जब संदेश आपको मिल गए इस साल की शुरुआत कैसे करनी है, किस चीज को ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। लाइफ में इसी हिसाब से आगे बढ़िएगा, ये नए साल की शुरुआत कीजिएगा, बहुत अच्छा साल दिख रहा है, लाइफ को बदलने वाला साल है ये आपके लिए, तो बहुत अच्छा सोच के, बहुत अच्छी सोच के साथ जो चाहते हैं लाइफ में वो क्लियर रखिए, अपनी खुशी को ध्यान में रख के फैसले कीजिए, लाइफ में बहुत अच्छा समय आपको देखने को
मिलेगा। उम्मीद करते हैं रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।